तुम मेरे सामने बॉडी में मत खड़ा हुआ कर यार, सोचेगी इसमें पहली बेस तो मेरी गेट पे हो गई। ये दोनों अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं। मेरे पौधे की गेम थी गोल्डन एंड ब्लैक। इन तीनों का मन तो खाने में ही अटक गया। हे यूनिकॉर्न्स, गुड आफ्टरनून, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं दिन के 2 और आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी तो मैंने रेनकोट पहन लिया। एंड रेनकोट पहनने की मेन वजह यही है कि मम्मी मेरे लेके आए थे बैंगलोर से, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्राई इट ऑन, सो मैंने पहन लिया। बट अभी मैं, सौरभ, अंकित, अनु और हनी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। और हम मार्केट क्यों जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। शाम को नहीं, छोड़ो मैं अभी बता देती हूँ। चलो ठीक है, बस इतना बता देती हूँ, हम लोग बर्थडे प्रेजेंट लेने जा रहे हैं। किसका है वो शाम को बताया जाएगा। हाँ, किसका बर्थडे वो शाम को पता चल जाएगा। सो या अभी हम लोग जा रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। कैसा लग रहा है, ये बताओ बस। स्मार्ट लग रहा हूँ ना। चलो फटाफट चलो गाइस, देखते हैं हम लोग क्या खरीदते हैं। अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, हम लोग अंकल लोग के घर पहुंच गए हैं। यहाँ से हम अनु और अंकित को पिक करेंगे। पिक तो खैर क्या करेंगे, वो लोग अपनी गाड़ी से चलेंगे, तो उन्हें लेने आए हैं। हाय, मे आई कम इन? आर यू गाइस रेडी? चले से। सो रहे थे क्या आप लोग? नहीं, अरे वो अपने अपने मतलब अपने अपने फोनों में लगे हुए। बैठो, हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम सब घूमने थोड़ा सा ऊपर तक। अंकित भी आ रहे हैं। हाँ, तुम मेरे सामने बॉडी में मत खड़ा हुआ कर यार। ऐसी बॉडी है इसकी, डर गया ना, डर गया ना, डर गया ना। अंधेरा सा रहता है। नहीं नहीं ठीक है। अभी लेट रही था, वहां जैसी होगी, पता नहीं तेरी मम्मी क्यों वहां जा, आलस आ जाता है। मम्मी की थकान शायद मेरे को लग गई, लग रहा है। ये तो मेरा हाई ब्रांड है, अभी तो मैंने पास किया है। अंकल आपसे कितना छोटा है, साथ में खड़े हो ना। दोनों चेस्ट चेस्ट क्यों बुला रहे, दोनों चेस्ट क्यों बुला रहे हो भाई? ब्रेक ना हो जाए, मेरी तो ऐसी है, मेरी भी ऐसी है। अंकित बोल रहा मैं तो बाहर हूँ भाई रेस से। अंकित बोल मेरे पास तो ये है फैमिली बैग। अनु कह रहे दीदी इतनी बारिश हो रही है जो आपने रेनकोट पहना है। मैंने कहा नहीं मम्मी बैंगलोर से लाई है ना, सिर्फ शौक शौक में पहन लिया। मैं कितना प्यारा है ये। और वैसे भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, मैं अभी पहन लेती हूँ। इसको भी बोला था मैंने पहन लिया, बट उसने नहीं पहना। चले गाइस, सिद्धू को आंटी यार आपकी जो लाइन है ना भाई, मजा आ जाता है हीरोइन। लेकिन प्लाजो और एक टी शर्ट है, ये देखना इसको क्या हो गया, चेस्ट फुला के क्यों चल रहा है। ध्यान रखना, इसको धूप में कभी रखेगा ना तो ये थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब करेगी। धूप में रखने के बाद क्या है, उसका तेल हो जाता है। चला लेगा तू? भारी तो नहीं लग रही? गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हम आए हैं लुक्स गिफ्ट शॉप पे। अब हम फटाफट से गिफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या लेंगे वो आपको हम शाम को ही दिखाएंगे। गाइस हम लोगों ने एक गिफ्ट तो ले लिया है, अभी हम लोग आ गए हैं डीकैथलॉन। एंड इन लोगों ने मुझे पहले से नहीं बताया था, खुद तो ये लोग अच्छे अच्छे बन के आ रखे हैं। मेरी हालत देखो, मतलब इट्स अ शेम फॉर मी, बट कोई बात नहीं यार। आज जींस और टी शर्ट बन गया, मैं लोअर और टी शर्ट में आया हूँ। हम तो लोअर टी शर्ट में आए थे, आ जाओ। अनु तो भाई इसको पक्का पता था पहले से, इतना तैयार होके आ रखे ना ये। उसी का प्लान था, वही उसी ने डिसाइड किया था। हद हो गई भाई, बट कोई बात नहीं, आई विल लाइक जस्ट। चलो अब चलते हैं, देखते हैं क्या लेना है। हम लोगों ने कुछ डिसाइड भी नहीं किया बता अभी तक। इट्स गोइंग टू बी अ रैंडम पिक। रेनकोट उतार दो। नहीं भाई मैं नहीं उतारूंगी रेनकोट, में तो और बेइज्जती होगी क्योंकि अंदर के कपड़े और घर वाले हैं।
अंदर जाके और गंदी बेइज्जती होगी यार, ये लोग चीज है इनके ना भाई ना, मैं नहीं उतारूंगी रेनकोट, बेइज्जती थोड़ी करवानी है। क्यों नहीं, देखना देखना मेरी कंडीशन देखो। वाओ, तो बता तो देते एटलीस्ट यार, तुम लोग कैसे हो, है ना? अंकित को पता था, इसको भी पता था, बताओ ये भी इतना झूठा निकला। नहीं पता था भाई, मुझे तो लगा सिर्फ घर के पास ही जा रहे हम लोग। चलो गाइस अब अंदर चल लो यार। हाँ हाँ, चोरी भी जाएगी तो क्या जा रहा है, चुप रहो। मेरी साइकिल जब चोरी हुई थी ना, पहले तो गांव कोई बात ही कर रहा था, जैसा सुनाया ना तो आगरा में हुई थी क्या, जानबूझ के चोरी करवाया। कोई इधर आओ, नहीं इधर आओ, यहां से एंट्री। हमें क्या पता कहां से एंट्री, ये यहां से, ये पक्का लिफ्ट वाला होगा ना, मुझे पता है। भगवान ने पैर तो फालतू में दे रखे इसको, वही चलो रेस लगाते हैं, मैं तो इसमें जाऊंगी। अनु कहीं ऊपर पहुंचने तक हाँ फ्री हो, पता चला सरब तुम लोग ऊपर पहुंच रहे हो तब लिफ्ट खुल रही है, खुल रही है क्या गाइस? अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा, हैंगर कैसे हैं लोग। अनु पहली बेस से तो मेरी गेट पे हो गई, जो गेट से बाहर निकली ना वो हमारी क्लासमेट थी। मैं बोलूँगी मॉल के अंदर बारिश हो रही है, इसमें तो मैं चैलेंज वीडियो बना सकती थी, रेनकोट इन अ सनी डे, हैं? बट सनी डे भी नहीं है भाई, बारिश हो रही थी। ठीक है चलो गाइज अब हम ले लेते हैं, क्या लेने वाले हैं वो हम आपको बाद में रिवील करेंगे। उन्होंने सोचा क्या लेना, नो सिद्ध मैंने कुछ दिया था हमारा आइडिया, तो आप बताना चाहेंगे हम क्या लेने वाले हैं? नहीं अभी नहीं, हम वो आपको शाम को ही रिवील करेंगे। ये देखो हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं और ये दोनों अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं। भाई कभी तो सीरियस हो जाया करो तुम दोनों। हम तो नहीं खेल रहे, ये मेरी शुरू का ना, ये भी डिकेथलॉन की है। ओह अनु तो दिखा रही है कि तू क्या लेने वाली है, फिर नहीं दिखा। ओह अचानक से इतनी ताकत कैसे आ गई तुझमें? वाओ ये वाली बॉल जो सुंदर लग रही है, सब ऐसे ना फाड़ देगा सही बार, फोम की है तो ऊपर चलो ऊपर। हेलो गाइस अब ऊपर भी चल ही लेते हैं, मैं तो डिकैथलॉन फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। ओह वाओ ये तो सारा जिम वाला सामान लग रहा है, साइकिल वगैरह सब कुछ, सिपर एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फिटनेस। क्या सिपर क्वालिटी भी तो वैसी होगी। व्हाट इज दिस, ये देखो सारा स्पोर्ट्स का सामान रखा है। वाओ ये वाली साइकिल कितनी मस्त लग रही है, बाकी लोग कहाँ गायब हो गए भाई। अरे वाह स्केट्स, दिस प्लेस इज रियली गुड। किसी और दिन आएंगे हम घूमने के लिए, ठीक है? अबे बैठ थोड़ी हो, तो 79 यहाँ का प्राइस होगा ना, ब्लू ले लिए। चलो बस अब और तो कुछ नहीं लेना ना, फटाफट से बिलिंग करवाते फिर चलते हैं। चलो बिकॉज वी ऑल आर रनिंग लेट, घर भी पहुंचना है उससे पहले कि पापा उठ जाए, जब हम आ रहे थे तो पापा सो रहे थे। अब और तो कुछ नहीं लेना ना, क्या लेना है? ओहो लेट्स गो, जल्दी जल्दी चलो ना यार, टाइम कम है, कछुए की चाल से चलोगे तो हो गया। तो यार अभी हम जा रहे हैं केक हाउस केक लेने, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं बस। तो गाइज हम लोग केक हाउस पहुंच गए हैं,
अब हम लोग यहाँ से लेंगे केक, वो भी एगलेस, क्योंकि मैं एग वाला केक नहीं खा सकती। नहीं यार, हम एग वाला ले सकते ना। क्यों भाई, मैंने नहीं खाना। कोई बात नहीं, हम लोग तो एगलेस ही लेंगे, खाती नहीं है, केक भी छोड़ दो। देखते हैं कौन सा केक लेने वाले हैं। वैसे चॉकलेट वाला लेंगे ना, चॉकलेट ज्यादा पसंद है, मतलब मुझे इनका पता नहीं। ये देखो, दीज आर द केक्स। एगलेस कौन से इनमें से? दो पॉइंट बोल तो डेढ़ किलो ढाई किलो। ये अनु, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, फ्रूट केक भी अच्छा लग रहा है, ये भी, और ये भी, इसमें ये भी प्यारा लग रहा है भाई। मतलब सेम ही है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। ओके, इस वाली रूम में सारे एगलेस है, देख लो। हाँ, छोटे छोटे दो केक्स। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, एज यू विश। पता है मैंने ये वाले खाए थे, बहुत टेस्टी होते भाई, चॉकलेट ट्रफल पुडिंग। एगलेस है ना, ये देखो कितनी सारी पेस्ट्रीज है, किसी का भी देख के खाने का मन हो जाए। कोई मुझे एक दिन के लिए इस दुकान में छोड़ दे, हाँ मज़ा ही आ जाएगा। केक है, उसमें कितनी सारी वेराइटीज है भाई, यहाँ आ जाओ और कुछ खाने का मन ना करे तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये देखो एग्जाम्पल, आते ही स्टिंग चाहिए इसको। नहीं है हो अंकित, तू चाहता है तो मुझे सारी चॉकलेट गिफ्ट कर सकता है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं हाँ ले सकते हैं, फुलाना पड़ेंगे। तो फिर तो तू बेटर फुला पाएगी ना। अनु को देख, बर्थडे कैप्स ले क्या? हाँ यहाँ पे भी वही प्राइस होगा। पता है इनमें सबसे प्यारा कौन सा लग रहा है? ये लाइट पिंक वाला और ये येलो वाला, देख यार सारे सुंदर है। चलो देख लो, इन तीनों का मन तो खाने में ही अटक गया। तीनों का नहीं, मेरा नहीं हो रहा। किस किस का हो रहा है? अनु का ही, अनु का हो रहा है। चलो अनु पकड़ो इसको, थैंक यू। लो तुम और एक्सचेंज मैं करूं। इधर से निकल लेते हैं। हाँ गाइज, ये वो एरिया है जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, जब हमारा घर नहीं बना था। अब तो धूप भी आ गई देखो, बट मैं फिर भी रेनकोट नहीं उतारूंगी। तो गाइज अभी हम फिर से गिफ्ट शॉप पे आ गए हैं, जो हमने डिकैथलॉन से गिफ्ट खरीदा था उसे पैक करवाना है, और हमें एक और गिफ्ट खरीदना है। भाई समझ नहीं आ रहा कितने गिफ्ट ले रहे हैं, तो ये लोग ले रहे हैं। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या लेने वाले हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं तो बस फॉलो कर रही हूँ। गाइज एक गिफ्ट तो पैक हो गया, एक और होना बाकी है। गाइज दोनों गिफ्ट पैक हो गए हैं, अब इसके बाद तो कुछ काम नहीं है ना, सीधा घर। बलून्स ले रही है, चांदी फुलाऊंगी ना, अब ना फुलाती। कौन से कलर के? मिक्स कलर्स के हैं। मेरे बर्थडे की थीम थी गोल्डन एंड ब्लैक, इस बार व्हाइट रहेगी, सफेद बने। इस बार तेरा बर्थडे नहीं मनाएंगे, 18 का है, इस बार तो बनेगा तो। हाँ बड़े वाले हैं ये, ठीक है, ठीक है ना। हाँ वही, थैंक गॉड सारा काम खत्म हो गया। लाओ दे दो अनु, इन्हें सबको एक साथ रख लो। चलो चलो गाइज, हम वापस घर पहुँच गए हैं। तो गाइज गिफ्ट लेके हम लोग घर पहुँच गए हैं, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये व्लॉग एंड कर रहे हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हरे कृष्णा, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले इतना लेकिन लाइक कमेंट, किसका बर्थडे है गेस करो। हाँ गेस करो किसका बर्थडे है, मुझे नीचे कमेंट कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।